हेलो हाय, कैसे हो दोस्तों? आज मैं 3-4 दिन के बाद आ रही हूँ। एक्चुअली मैं तबीयत ख़राब थी। यहाँ दिल्ली में सर्दी आने वाली है, गर्मियाँ जा रही है, तो हो गया वायरल। गले में दर्द, खांसी, सबको ही हो रहा है, आसपास में भी सबको ही हो रहा है। किसके पेट में दर्द, किसी को लूज़ मोशन, मेरे बेटे को भी लूज़ मोशन हो गया था 2 दिन। तो इस वजह से थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो बस इसलिए मैं आई नहीं। फिर तो बस अब सब कुछ ठीक है, तबीयत भी ठीक है बेटे की। मेरी बस थोड़े गले में दर्द है, वो भी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। वायरल है तो 1 हफ्ता तो खाएगा ही। तो बस, और बदलता मौसम है तो दिक्कतें तो आनी ही है। ठंड जो आने वाली, सड़ी गर्मियाँ जो जाने वाली है, इसका भी एक अलग ही मज़ा है। बाकी चल रहे हैं यहाँ शराद, यहाँ क्या हर जगह पे, इसलिए काम डाउन है, पर परमात्मा की दया से चल रहा है बढ़िया। लेकिन थोड़ा बोरियत हो जाती है। विंडो शॉपिंग वाले नहीं आते ना, ज़्यादा घूमते नहीं हैं, तो थोड़ी बोरियत हो जाती है। और ना टाइम पास अच्छा हो जाता है, क्योंकि लेडीज़ की शॉप है, लेडीज़ ही आती हैं, तो गॉसिप तो होएगी, तो अच्छा टाइम पास वगैरह हो जाता है। लेकिन अभी इस दौरान में कम लोग निकल रहे हैं बाहर, तो इसलिए मैं थोड़ी सी बोर हो रही हूँ। बाकी बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे ना एक वीडियो जो मैंने अपने चैनल पे डाली थी, वो बहुत अच्छी वायरल हो गई है। वो पहली वीडियो है कि मतलब 190 के आसपास तो उसके व्यू आ गए, और इतने अच्छे व्यू देख के ना मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। भले ही वो मेरी वीडियो नहीं है, लेकिन मेरे चैनल की तो वीडियो है, तो इसके लिए मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। चलो, मैं उम्मीद भी यही रखती हूँ पॉजिटिव, कि एक दिन मेरी वीडियो पे भी व्यू आएंगे, इतने लाइक और इतने अच्छे कमेंट आएंगे। बुरे तो कमेंट सबकी वीडियोज़ पर होते हैं, अच्छे कमेंट आएंगे, इस उम्मीद के साथ मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। चलो चलेगी, कभी तो आप लोग लाइक करेंगे, कभी तो आप लोग पसंद करेंगे, कमेंट करेंगे, कुछ लोग तो करते हैं कमेंट अच्छे। तो बस वीडियो बनाते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। और आप देख रहे हो कि आज मैं बाहर नहीं जा रही, क्योंकि धूप है और दुकान में ही घूम रही हूँ। और हाँ, आज मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है, सुनाई या नहीं ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने आज फ़ैन बंद करके वीडियो बनाई है। बाहर वाला फ़ैन भी बंद कर दिया, वरना वो चलता था। पता नहीं, पता चल जाएगा कि आवाज़ मेरी आ रही है या नहीं आ रही है ना। और वीडियो बनाती हूँ, छोटी छोटी शॉर्ट्स आप लोगों ने। तो मैं दुकान में ही घूम रही हूँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, क्योंकि बैठे बैठे पैर दर्द हो रहा है। अब अगर लेडी से नहीं आएगी तो मैं बातें कैसे करूँगी, वो अपने घर की बुराइयाँ कैसे करेंगी, मैं अपने घर की बुराइयाँ कैसे करूँगी। बड़ा मज़ा आता है ना मम्मी की भी बुराई करने में, तो 2-4 औरतें तो आनी चाहिए है ना, ताकि हम बुराइयाँ कर सकें। हालांकि उन बुराइयों का कोई मतलब नहीं होता, बेफिजूल की होती है। हम हमारे घर वालों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ तो अच्छी होता है ना, तो बस कर लेते हैं टाइम पास। बाकी मैं आज जब शॉप पे आई थी, तो सुबह सुबह मुझे बहुत बुरी खबर मिली। मेरी 7 बजे शॉप पे जो आंटी काम करते थे, अभी वो शिफ्ट हो गए, उनके हस्बैंड आज सुबह गुजर गए। तो ये बात सुन के मुझे बहुत दुख हुआ था, मैं उदास भी हो गई थी कई देर तक, क्योंकि वो अंकल बहुत अच्छे थे, उनकी एज 80+ थी, और बहुत केयरिंग थे, बहुत ही अच्छे थे। तो बस वो जहाँ भी है, मैं यही दुआ करती हूँ ऊपर वाले से, वो खुश रहें, अच्छे रहें। और बाकी सब ठीक है, लाइफ है, चलती जा रही है, हमें चलते जा रहे हैं, शॉप है चलती जा रही है, तो बस चलते जाएंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, मर्जी हो तो कमेंट करिए, लेकिन शॉर्ट वीडियो को तो लाइक कर ही सकते हो, छोटी छोटी सी होती है, बोर भी नहीं होगे देखने में। बाकी मैं धीरे धीरे सीखूँ, बाकी मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगी एडिटिंग, शेडिटिंग, कैसे वीडियो साफ बनती है, क्लियर बनती है, कैसे वॉइस आती है, क्योंकि अभी धीरे 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 थोड़ा इंटरेस्ट भी आ गया है, बात करने में भी, ब्लॉग बनाने में भी आ गया। लेकिन कुछ ना कुछ लगा रहता है। मुझे देखने वाले मेरे चैनल पर 70% तक लेडीज़ है, तो इसलिए आप सबको ही पता है कि घर घर के साथ काम और काम के साथ अपना ये शौक लेडी से कर लेती है सब मेंटेन, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी बैलेंस बिगड़ जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है घर घर के साथ में काम करना और काम के साथ अपना शौक पूरा करना। तो मैं तीनों चीज़ों के लिए टाइम निकालती हूँ और थोड़ी थोड़ी सी वीडियो बनाना ट्राई करती हूँ। मुझे जो पसंद है, छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो डांस की, गाने की, बना लेती हूँ, जैसी मर्जी बने। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी, नहीं तो मुझे तो पसंद ही है। चलिए बाय। 600 कम नहीं करोगे? कम करके ये सेल लगी हुई है।
स्मॉल साइज है ना, वो छोटा साइज है वो बड़ा है। देख सकते हो? हाँ हाँ, जैसा वैसा आप लोग से बात करते करते कस्टमर आ जाते विंडो शॉपिंग में, टाइम पास करते निकल गए। ऐसे आते रहने चाहिए ताकि टाइम पास हो, ठीक है? तो आप लोगों का काम भी अच्छा जाए, मेरा काम भी अच्छा जाए, यही उम्मीद करती हूँ, यही भगवान से दुआ करती हूँ। दोबारा जल्दी मिलेंगे। बाय, अपना ख्याल रखिए।